बिहार के राजनीति में सबसे बड़ा भूचाल आया है और वो भूचाल लाने वाला कोई और नहीं, सरकार बनाते बनाते चूकने वाली पार्टी आरजेडी। जानिए क्यों और कैसे हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज प्यार। एक और मानसून शस्त्र और अग्निपथ को लेकर बवाल, सदन चल नहीं रही है। लेकिन इसी बीच आरजेडी ने बड़ा खेल कर दिया और वो बड़ा खेल में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। आपको बता दें कि ओबीसी की पार्टी तोड़ 4 विधायक आरजेडी के संपर्क में नहीं, आरजेडी में शामिल हो चुके हैं और आरजेडी ने इसकी स्वीकृति मान ली है और 4 विधायक अब आरजेडी में शामिल हो गए हैं। यानी बिहार का अब सबसे बड़ा पार्टी अगर कहा जाए तो राजद, यानी तेजस्वी के नेतृत्व में जो कमान चल रही थी, जो अंदर ही अंदर प्लानिंग जो हो रहा था आरजेडी का, उस प्लानिंग में तेजस्वी कहीं ना कहीं आगे निकल गए हैं और सबसे बड़ा पार्टी बना लिया है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कहा है कि 4 विधायकों को अपने साथ बैठा कर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये 4 विधायक हमारे साथ आ गए हैं। यानी भाजपा जदयू से भी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बन चुकी है। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं तेजस्वी यादव और उनके 4 नए विधायक जो आरजेडी में शामिल हो गए हैं ओबीसी को छोड़कर। सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं। भारतीय संविधान के 10वीं सूची, जो भारतीय संविधान का 10वीं सूची धारा 4 के अंतर्गत में इन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल में विलय किया है। यानी मिनिमम जो है, आपको किसी भी दल का अगर विलय होता है तो 66% होना चाहिए। और आप सब लोग जान रहे हैं 5 में से 4 जो MLA जो ज्वाइन किए हैं AIM के, यानी हमारे पास 80% है, जो कि नियम कायदा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद जो है, सूची जो है, दसवीं सूची के धारा 4 को फुलफिल करता है। इसी टेक्निकल रूप में ये ज़रूरी होता है कि जो इन लोगों ने प्रस्ताव दिया, जो इन्होंने अध्यक्ष जी के नाम पे दिया चिट्ठी कि इन चारों की इच्छा है कि राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन करे, तो फिजिकल रूप से हम लोग आज बिहार विधानसभा भी गए और फिजिकली जो है चारों विधायकों की पेशी आदरणीय अध्यक्ष जी के समक्ष हम लोगों ने रख दिया। हम लोग मिलकर के भी आए हैं और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि हम इन सभी चारों विधायकों का आभार प्रकट करना चाहते हैं। शहनवाज भाई हुए, नईमी साहब हुए, मोहम्मद इजहार अशफी साहब हुए, जैरकुद्दीन अहमद साहब हुए, चारों विधायकों का हम धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं कि इन चारों के आने के बाद जो अभी राष्ट्रीय जनता दल के हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, चारों आरजेडी के नए विधायक का ताल्लुक राष्ट्रीय जनता दल से पुराना रहा है। 2005-10 में लोगों ने चुनाव भी लड़ा है और शहनवाज भाई तो 2015 में विधायक ही थे राष्ट्रीय जनता दल के। तो इनकी वापसी जो है, घर वापसी हुई है, जिससे हमारा दल महागठबंधन मजबूत हुआ है और देश के हालात को देखते हुए इन लोगों ने जो फैसला लिया है, ये बाकायदा निडर फैसला है और हम लोग सब लोग चारों जो नए राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हम लोगों ने मिलवाया है, उनका भी आशीर्वाद सभी लोगों से प्राप्त हुआ है, सभी लोगों पर। तो बड़ी खुशी की बात है कि फिर से पुनः इन लोग देश के हालात को देखते हुए, इतना निडर फैसला लेते हुए पुराने घर में वापसी इन्होंने की है, इसलिए हम लोग दिल से इसका स्वागत करते हैं। तो नहीं, हम चाहेंगे कि चारों जो विधायक हैं
वो भी अपनी बात जो है आप लोगों के साथ सामने रखे, उसके बाद जो सवाल का जवाब होगा हम सवाल का जवाब देंगे। मजबूती करने के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म में आने का कार्यक्रम किया है। अभी सवाल बाद में पहले अपना अपना बात रख। पावन बहादुरगंज से बिहार। अभी जो मौजूदा हालात में जो देश का परिस्थिति है जिसको देखकर लोकतांत्रिक ताकत को मजबूत करने के लिए हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग राजद को ज्वाइन किए हैं और इसमें बहुत अच्छा रोल रहा हमारे संजय जी का भी जो हम लोग इस पार्टी में आए और ये बहुत ये अहम फैसला था जो प्रदेश के लिए भी ये साबित होगा। वक्त आने पर पता चलेगा कि हम लोगों का जो मंशा था महागठबंधन को मजबूत करना, प्रदेश को मजबूत करना और देश के हालात को देखते हुए हम लोगों ने ये कदम उठाया। शहनवाज जी हैं, आप लोग जान ही रहे हैं हम लोगों के पार्टी के कद्दावर नेता रहे और सीमांचल के जो गांधी कहलाते थे स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब, उनके ये शहजादे हैं, छोटे पुत्र हैं, तो हम चाहेंगे कि अपनी बात रखें। देखिए AIMIM ने मौका दिया, हम इसके लिए उनका शुक्रगुजार करते हैं। दूसरी बात, आप देखे होंगे जो मौजूदा चुनाव अभी कुछ वर्ष पहले हुआ, आप बंगाल का चुनाव देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, तमाम सेकुलर ताकत हमारी पार्टी भी लड़ी थी जिस पार्टी में मैं पूर्व में था, सब लोग अल्पसंख्यक हो या सेकुलर लोग हो, तमाम लोगों ने सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करने की कोशिश की। उसी क्रम में उसी दोनों प्रदेश का रिजल्ट को देखते हुए हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, जोकीहाट से आते हैं, सीमांचल से आते हैं, वहाँ के अल्पसंख्यक, वहाँ के सेकुलर लोग चाहते थे कि हम तमाम लोग फिर से बिहार में जो सबसे मजबूत सेकुलर पार्टी है हम उसका हाथ को मजबूत करें, उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाएं और सीमांचल की जो बदहाली है उसको सब लोग मिल करके दूर करें। अपना बोल बोले देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा तेज बोल दीजिए सर प्लीज। AIMIM पार्टी से 2020 विधानसभा चुनाव लड़ा, पहले भी विधायक था और माननीय लालू जी के नेतृत्व में पहले भी बिहार में और अभी मौजूदा हालात में जो मुल्क के हालात हैं और सारे सेक्टर लोगों एक प्लेटफॉर्म में आकर विधायक शक्ति और क्लब चुनाव लड़ना है, इसलिए हम लोग बिहार में अपने युवा नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और सीमांचल में संगठन को मजबूत करके हम लोग नया बिहार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ सवाल पहले से चल रही थी तमाम विधायकों को अपने पार्टी में आने के लिए उदयपुर में घटना हुई अभी इस मामले पे आप लोगों ने पहले देखिए जहाँ तक मामला है इन लोगों ने साफ तौर पे ये कहा कि जो देश के हालात और आप लोगों ने घटनाएं भी देखी होंगी चाहे उदयपुर हो या कहीं भी हिंसा होती है, जो कट्टरपंथ है, कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और हमारा साफ मानना है कि जितने सेकुलर फोर्सेस हैं या आने वाला जो पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला है उसमें भी हम लोग चाहते हैं कि जितने सेकुलर फोर्सेस हैं वो मजबूत हों, एकजुट हों। सेकुलर फोर्स जब हम बोलते हैं तो किसी धर्म से नहीं जोड़ना देखा जाता, हर धर्म में कुछ सेकुलर विचारधारा के होते हैं, कुछ कट्टरपंथ होते हैं, लेकिन हम सेकुलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं कि सब लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है।
क्योंकि आज देख लीजिए, पहले से ही जनता देश की बेरोजगारी से, गरीबी से, लाचारी से, बेबसी से, ना शिक्षा है, ना चिकित्सा है, और जहां से ये विधायक जो चुन के आए हैं वो बिहार का सबसे गरीब इलाका जो कि सीमांचल है, और अभी जो पूरा बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो उस हालात में पहले से ही इतनी ज्यादा मुसीबत हमारी देश की जनता, बिहार की जनता झेल रही है, वो कम था क्या जो इस तरह का पॉइजन, जहर समाज में घोला जा रहा है, जहां एक भाई को दूसरे भाई के प्रति लड़ाया जा रहा है। चाहे नुपुर शर्मा का बयान हो, उसकी भी निंदा है, चाहे जो उदयपुर की घटना है, हम उसकी भी कठोर निंदा करते हैं, और हिंसा और सांप्रदायिकता से हम लोग लगातार जो है लड़ते आ रहे हैं। विचार जो हमारा विचारधारा है सब लोगों को पता है, हम लोग सब लोग चाहते हैं कि देश में अमन हो, शांति हो, खुशहाली हो, भाईचारा हो। आज अमन छीन गया, चैन छीन गया, खुशहाली छीन गई, कोई वर्ग चाहे युवा हो, महिला हो, महिला सुरक्षित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की हालात आप देख रहे हैं पूरे बिहार में या पूरे देश भर में, आप स्थिति देख लीजिए, हर जगह क्राइम हो रहा है, गरीबी है, ना मजदूर खुश है, ना किसान खुश है, ना छात्र खुश है। तो इस हालात को देखते हुए सभी लोगों ने निर्णय लिया है, और हम लोगों ने खुशी जाहिर की है कि भाई इसे बल मिला, और ये समय का मांग था, और ये जनता की मांग थी, आम आवाम की मांग थी कि भाई बिहार में महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत कीजिए। अगर कोई बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को लड़ सकता है, हरा सकता है, जो हमने हराया, आज तक भाजपा की हिम्मत नहीं हुई बिहार में कि अकेले चुनाव लड़के दिखा सके। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी तीसरे नंबर की जो पार्टी है उसका मुख्यमंत्री बनाया गया, ये क्या है? इसलिए हम लोगों ने शुरुआत से ही हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई को हम लोग आगे लड़ेंगे, और हम लोग जीत हासिल करेंगे। कोई ऑपरेशन सर्जरी थोड़ी ना होता है ईसा, देखिए कोई सर्जरी ऑपरेशन नाम, भाई हम लोगों की क्या ताकत है जो बीजेपी की है उस हिसाब से? ये तो एक विचार की लड़ाई में, विचारधारा से जो लोग जुड़े हैं, जो जनता की मांग है उससे ये लोग आए हैं, जो समय की मांग थी उससे जुड़े हैं। वरना आप तो जानते हैं, हम तो विपक्षी दल हैं, लेकिन फिर भी बिहार की जनता ने महागठबंधन को जनादेश दिया। वो अलग बात है कि चोर दरवाजे से कोई सरकार आई और बनी, लेकिन इतना मजबूत विपक्ष बेईमानी के बाद भी हम लोग इतने मजबूत हैं कि लगभग जो है ज्यादा दूर नहीं है सत्ता से, फिर भी हम लोगों को सत्ता का लालच नहीं है, लोभ नहीं है, औरों को होता है और है भी, वो दिखता भी है, छलकता भी है, लेकिन हम लोगों को इतना रसाकसी में भाजपा जदयू आपस में लड़ रहा है, फिर भी बेइज्जत कर रहे हैं एक दूसरे को, फिर भी बने हुए साथ, ये दिखाता है कि कितना सत्ता का लालच है, लोभ है। लेकिन हमारी लड़ाई चलती रहेगी, एक विचार की लड़ाई है, और पूरे देश में दो विचारधारा है, और दो विचारधारा के बीच लड़ाई है, और लड़ाई जो अहिंसा में विश्वास करता है, जो अमन चैन भाईचारा में विश्वास करता है, जो देश का उत्थान में विश्वास रखता है, विकास में विश्वास रखता है, जीत उसकी होगी। जो नफरत की राजनीति करते हैं, झूठ बोलने का फैक्ट्री जिन लोगों ने खोल रखा है, जो मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको जनता सबक सिखाएगी। बीजेपी को भी बड़ा झटका लगा है, कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी थी। नहीं नहीं, अब कैसे हुई नहीं हुई, अब हमको तो अरे अब कौन किसको, वो लोग एनडीए में आपस में झटका झटका खेल रहा, एक दूसरे को कभी ना कभी झटका ही देते रहते हैं।
उसमें हमको नहीं, हमको अपना काम करना है, अपने चले हो ही अब सारा बात हो गया। तो आपने सुना कि आरजेडी के तरफ से तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि अब आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई, यानी आरजेडी अब बिहार के राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि जदयू और भाजपा से भी बड़ी पार्टी हमारी बन गई है, और देखते ही देखते तेजस्वी ने जो तीर चलाया जदयू भाजपा देखते रह गई और तेजस्वी यादव ने बाजी मार लिया। लालू के जेल आते ही नेतृत्व का कमान हाथ में लेते ही तेजस्वी को सबसे पहले इशारा किया, और इशारों में तेजस्वी ने चार विधायकों को अपने पाले में घींच लाया और सबसे बड़ी पार्टी बन गई।